सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। लास्ट नाइट इट वॉज 11 o'clock। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कल रात 11 बजे थे, यानी कल रात 11 बजे का समय था। लास्ट नाइट इट वॉज 11 o'clock, आई वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर रीडिंग अ बुक। मैं कुर्सी पर बैठा किताब पढ़ रहा था। इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर रीडिंग अ बुक। मैं कुर्सी पर बैठा किताब पढ़ रहा था। आई हैड एन एग्जाम द नेक्स्ट डे। अगले दिन मेरा एक एग्जाम था। आई हैड एन एग्जाम द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन मेरा एग्जाम था। सो माई प्लान वॉज टू स्टडी ऑल नाइट। तो मेरा प्लान पूरी रात पढ़ने का था। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, काफी यूजफुल सेंटेंस है, आई हैड एन एग्जाम द नेक्स्ट डे, अगले दिन मेरा एग्जाम था। सो माई प्लान वॉज टू स्टडी ऑल नाइट। तो मेरा प्लान पूरी रात पढ़ाई करने का था। वाइल स्टडिंग, यानी पढ़ने के दौरान या पढ़ते पढ़ते, आई गॉट थर्स्टी, मुझे प्यास लगी, एंड वेंट टू ड्रिंक वाटर, और मैं पानी पीने गया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वाइल स्टडी, यानी पढ़ते पढ़ते या पढ़ने के दौरान, आई गॉट थर्स्टी, मुझे प्यास लगी, एंड वेंट टू ड्रिंक वाटर, और मैं पानी पीने गया। आई ओपन्ड द रेफ्रिजरेटर, मैंने फ्रिज खोला। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आई ओपन द रेफ्रिजरेटर, यानी मैंने फ्रिज खोला। टुक आउट अ बोटल ऑफ वाटर, और पानी की बोतल निकाली। टुक आउट अ बोटल ऑफ वाटर, और पानी की एक बोतल निकाली। एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग इट, और इसे पीने लगा। देखो ये होता है सबके साथ, इसे इंग्लिश में हमें कैसे बताना है। हमें प्यास लगी, हम उठ के गए, हमने फ्रिज खोला, पानी निकाला, तो ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए अगर हम किसी को इस तरीके से बताने लगे स्टोरी में। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आई ओपन द रेफ्रिजरेटर, मैंने फ्रिज खोला। टुक आउट अ बॉटल ऑफ वाटर, और पानी की एक बोतल निकाली। एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग इट, और इसे पीने लगा। देन आई हर्ड अ साउंड फ्रॉम डाउन स्टेयर्स, तभी मुझे नीचे से आवाज आई, यानी मैं ऊपर के कमरे में था, नीचे कमरे से आवाज आई। तो बताया जा रहा है कि देन आई हर्ड अ साउंड फ्रॉम डाउन स्टेयर्स, तभी मुझे नीचे से आवाज आई। आई गोट स्केयर्ड, मैं डर गया, बिकॉज देर वॉज नो वन एल्स इन द हाउस एक्सेप्ट फॉर मी, क्योंकि मेरे अलावा घर में और कोई था नहीं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि देन आई हर्ड अ साउंड फ्रॉम डाउन स्टेयर्स, तभी मुझे नीचे से आवाज आई। एंड आई गोट स्केयर्ड, और मैं डर गया, बिकॉज देर वॉज नो वन एल्स इन द हाउस, क्योंकि घर में और कोई नहीं था एक्सेप्ट फॉर मी, मेरे अलावा। माई फैमिली हैड गोन टू अ वेडिंग इन द विलेज, मेरा परिवार गांव में गया था किसी शादी में। माई फैमिली हैड गोन टू अ वेडिंग इन द विलेज, मेरा परिवार गांव में किसी शादी में गया था। आई वॉन्टेड टू सी वेयर द साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम, मैं देखना चाहता था कि आवाज कहाँ से आ रही थी। आई वॉन्टेड टू सी वेयर द साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम, मैं देखना चाहता था कि आवाज कहाँ से आ रही थी। सिंस आई वॉज अलोन इन द हाउस, चूंकि मैं घर में अकेला था, यहाँ पर सिंस का यूज होगा चूंकि, क्योंकि के लिए। सिंस आई वॉज अलोन इन द हाउस, चूंकि मैं घर में अकेला था। आई वॉज ऑल्सो अफ्रेड, मैं डरा हुआ भी था। बट आई समंड अप द करेज, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई, इसके लिए हम बोलेंगे बट आई समंड अप द करेज, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई। टू गो डाउन द स्टेयर्स, नीचे सीढ़ियों से जाने की। बट आई समंड अप द करेज टू गो डाउन द स्टेयर्स, लेकिन मैंने सीढ़ियों से नीचे जाने की हिम्मत जुटाई। एंड चेक टू सी द टू कैट्स वो फाइटिंग, और जाके जो चेक किया, वहाँ पर दो बिल्लियाँ लड़ रही थी। एंड चेक टू सी दैट टू कैट्स वो फाइटिंग, जाके जो देखा दो बिल्लियाँ लड़ रही थी। आई स्टार्टेड लाफिंग एंड वेंट बैक अप स्टेयर्स टू कंटिन्यू माई स्टडीज, मैं हंसने लगा, मैंने हंसना शुरू किया, एंड वो वापस आकर ऊपर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। आई स्टार्टेड लाफिंग एंड वेंट बैक अप स्टेयर्स टू कंटिन्यू माई स्टडीज। सो ये मैंने इसलिए बनाई है वीडियो, ताकि अगर आपको इस तरीके से कुछ बताना हो, कोई छोटा मोटा इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो, तो आप किस तरीके से बता सकते हो इंग्लिश में। तो अगर आपको इस तरीके और भी वीडियोस देखनी है, तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो इस चैनल पर आपको रेगुलर देखने को मिलेंगी। रोज़ सुबह इस पर एक अपलोड, एक वीडियो इस तरह की अपलोड होती है। तो अगर आप इस तरह की वीडियोज़ और भी देखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।